गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। वी वर स्टडीइंग सम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 8 चैप्टर्स फ्रॉम बैकवर्ड्स। इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन which is asked in a CBSE 2019 paper. It is about three particles, different particles, proton, deuteron and an alpha particle. All of them are moving inside a uniform magnetic field. Just because they are entering a uniform magnetic field, then they will move in a circular path, because it is the property of the magnetic field to rotate a particle in a circular path. Alright, so they will gain some kind of circular path. That circular path has some radius. We have to calculate the radius of different particles, the radius attained by the different particles. So the question is, a proton, a deuteron and an alpha particle accelerated by same potential enters perpendicularly in a uniform magnetic field. Compare their kinetic energies. Firstly, we have to compare their kinetic energies. Then, if the radius of proton's path be 5 cm, radius of proton's path be 5 cm, find out the radii of deuteron and alpha particle. Alright, so let's solve this question. First, come to our first part, that is comparison of kinetic energies. Alright, so come to the solution. Here we have one case that particles are given. So, as the particles are given, so their charges are also given. Alright. So, we can say, as we know, kinetic energy, it is, if I say K for any particle entering a magnetic field, is equal to what? Is equals to charge times of potential. Charge times of potential, ये relation हमने पहले पढ़ा है. So Q into V, this is what? This is actually by which the particle is accelerated, या फिर जो भी charge particle relation होता. तो kinetic energy QV, ठीक है? So the kinetic energy for different particles can be written as, for alpha particle, K alpha, अगर मान लीजिए हमने उसको V पोटेंशियल से वो किया रहा होता, एक्सिलरेट किया रहा होता, तो काइनेटिक एनर्जी उसको जो भी गेन रही होती. देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, इसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है. अभी फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व हो रहा है, वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ओनली रोटेट्स द पार्टिकल. ये पहले से मूव करते हुए आ रहा है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे समझ लीजिए कि वो पहले से पोटेंशियल वी से, सेम पोटेंशियल एक्सेलरेटेड बाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं. सो द अल्फा पार्टिकल विल हैव चार्ज इक्वल्स टू, देखिए हम पहले छोटे वाले से शुरू करते हैं. अल्फा पार्टिकल नहीं, पहले प्रोटॉन का लिखते थे. फॉर प्रोटॉन हम कह रहे हैं पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज के पी. Kp इक्वल टू प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स. सो इट विल बी, मैंने कह दिया 1.6 × 10⁻¹⁹ को स्मॉल ई.
So it is E charge, elemental charge multiplied by V potential. For deuteron, deuteron का मतलब होता है 1H2, है ना? तो उसके पास चार्ज कितना होगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? तो K deuteron को KD से रिप्रेजेंट कर दिया, it is equals to again EV, alright? Now third part, for alpha particle. अल्फा पार्टिकल मींस 2He4, ये होता है हीलियम एटम के अल्फा. फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी सी द चार्ज इज ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ऑलराइट? सो इट इज 2EV एक्सेलरेटेड बाय V पोटेंशियल, इट इज आल्सो एक्सेलरेटेड बाय V पोटेंशियल, सो V इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम. सो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई एम राइटिंग हियर. कंपेरिजन करना, कंपेयर तभी करते हैं जब रेशियो ले. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज के अल्फा, सॉरी के पी से शुरू कर रहे ना, के पी रेशियो, के डी रेशियो, के अल्फा, हम ऐसा बना सकते हैं इसको. ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, तो ये टू टाइम है. तो आई कैन राइट 1:1:2, दिस इज द के रेशियो काइनेटिक एनर्जी रेशियो. के पी रेशियो के डी रेशियो के अल्फा, इट इज इक्वल टू 1:1:2. सो नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट ओनली. दिस दिस इंफॉर्मेशन वी विल यूज इन अवर सेकेंड पार्ट. सी इफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन path be 5 cm, radius for the proton in the magnetic field is 5 cm, radius of a particle's path in uniform magnetic field can be written as, you have already studied this relation, R is equals to m v upon q b, where m is the mass of the particle, small v it is the velocity or the speed of the particle, small v, q charge of the particle, b the magnetic field which is uniform, alright? So this is the relation for R. I am going to write R for proton, alpha particle and deuteron. So I am changing it little bit, this relation. I am going to express this in the form of kinetic energy. जो V के form में है हम उसको kinetic energy के form में convert करेंगे. Alright, so how? Let's see. This is MV. मैं यहां कुछ एक रफ में कर देता हूं. MV हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मैं अभी उसको लिख देता हूं. पहले काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, ये होता है. तो मैं कुछ इसी फॉर्म में इसको चेंज करने वाला हूं, ठीक है? या फिर हम कह लें यही रिलेशन हमारा जो होता है इसी को हम चेंज करेंगे. देखिए कैसे चेंज करेंगे. इस एमवी में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? ये इस तरह का रिलेशन कुछ हो गया. और एक काम करते हैं, इसके स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ये होगा. अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, ज्यादा सही, एक स्टेप हमने जल्दी लिख लिया. तो ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अंदर, और 2 है 1/2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2 के साथ. देखो यहां एक एम है एक वी स्क्वायर है, एक एम ऐसे ले लिया और एक हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कर दिया, हाफ एम
वी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ये वही रिलेशन है जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, यानी नीचे वाले हाफ को ये दिखा है 2m अलग आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। देन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एस 2m, इसको हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया k, एंड इट इज डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। क्यों किया है ऐसा? बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट रेडियस, बट वी हैव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी रिलेशन बिटवीन देम, सो आई एम गोइंग टू यूज इट। लेट्स सी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के केस में आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर के फॉर्म में हमने स्क्वायर कर दिया था आर स्क्वायर, इसको प्रोटॉन वाले को पी से रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं, 2mkq2b2। ध्यान दीजिए यहां मास जो होगा प्रोटॉन का मास एम पी लिख दिया मैंने, 2mp, काइनेटिक किस एनर्जी किसकी, पी की, के पी यूज कर लिया क्योंकि प्रोटॉन के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे तो स्पेसिफाई कर रहे हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इट इज ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस इज रिलेशन फॉर आर व्हेन प्रोटॉन इज कंसीडर्ड। नाउ फॉर ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन आर डी का स्क्वायर लिख दिया, मतलब आर रेडियस ड्यूटेरॉन के केस में, क्योंकि ये जनरल केस था ये ड्यूटेरॉन के केस में। मैं इस वाले रिलेशन में सब रख रहा हूं इस वाले जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये देखिए 2 मास ऑफ ड्यूटेरॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। तो जहां अगर प्रोटॉन का मास मैंने एम पी लिखा तो इट इज ट्वाइस द मास ऑफ एम पी। ये होता है काइनेटिक एनर्जी के डी से रिप्रेजेंट कर दिया ड्यूटेरॉन की जो यहां किए थे। नाउ दिस ई स्क्वायर वी स्क्वायर, चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन इज सेम एज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो आई एम राइटिंग इट ई स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि बी तो सेम है। नाउ थर्ड क्वांटिटी फॉर अल्फा पार्टिकल, देखिए यहां पे ये जो रेशियो है इसको मैं स्पेस बचाने के लिए यहां लिख देता हूं अलग से, जो हमने निकाल लिया है के अल्फा रेशियो, सॉरी के पी रेशियो, के डी रेशियो, के अल्फा इज इक्वल टू 1:1:2 हमने निकाल दिया है, वी हैव यूज्ड इट। नाउ दिस आर अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू, अब देखिए मास ऑफ अल्फा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम 2He4, चार्ज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो आई एम पुटिंग इट हियर 2 times, प्रोटॉन के मास में कितना चार्ज गुना 4mb लिख लिया, कि अल्फा लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय चार्ज कितना ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन 2e का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी तो कॉन्स्टेंट ही है। सो दिस थिंग टिल नाउ वी हैव कंसीडर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर रेशियो 1:1 विद, हमको देखो क्या पता है रेडियस ऑफ प्रोटॉन्स पाथ इज 5 cm, वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, सो टेक रेशियो विद प्रोटॉन, फर्स्ट आर डी बाई आर पी कर देना, आर डी स्क्वायर बाई आर पी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो इससे ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 × 4 mpkd, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के डी डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पी स्क्वायर, ई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई रिलेशन फॉर प्रोटॉन 2mpkα एंड ई स्क्वायर बी स्क्वायर, ई स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ नोटिस के अल्फा
सॉरी इट इज नॉट के अल्फा इट इज के डी वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटेरियम सो आर डी बाई आर पी इट इज के पी ऊपर डी वाला रिलेशन नीचे पी वाला रिलेशन ठीक है नाउ कट दी क्वांटिटीज विच कैन बी विच कैन बी इजली रिड्यूस नाउ टेक दिस दिस MPMP कैंसिल आउट केपी रेशियो केडी इज 1:1 केपी रेशियो केडी इज 1:1 सो इट कैन बी कैंसिल सिमिलरली ई स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल ओनली टू विल रिमेन टू टू जा फोर सो दिस आरपी इज मल्टीप्लाइड हियर इट इज आरपी स्क्वायर एंड इट इज आरडी स्क्वायर सो आरडी इज इक्वल्स टू रूट टू आर पी नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर पी विच इज इक्वल्स टू आर डी इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स फाइव फाइव रूट टू सेंटीमीटर यू कैन सॉल्व दिस यू कैन पुट द वैल्यू एंड योर आंसर विल बी देयर ऑलराइट सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन फॉर आर डी देखा आपने हमने कैसे किया इस के और केडी और केपी को क्यों बचा के रखे थे कैसे काटा इसी रेशियो का इस्तेमाल करके ऑलराइट नाउ कम टू सेकंड पार्ट क्योंकि देखिए हमने एक निकाल दिया मैं इसी को यही इरेज कर रहा हूं नाउ फॉर आर अल्फा टेक रेशियो ऑफ आर अल्फा स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर अगेन जस्ट बिकॉज वी नो अबाउट प्रोटॉन रेडियस आर अल्फा स्क्वायर पुट दिस वैल्यू टू टाइम्स ऑफ टू फोर जा एट एट एमपी के अल्फा डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स फोर ई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस मच टू एमपी KP divided by E square V square. Now solve this question. 8, 4, 2 is 8. 2 E will be here also. MP K alpha. यहां देखिए important है मैं एक step बीच में और लिख लेता हूं. It is 2 MP K. एक काम करते हैं. ऐसे लिख लेते हैं. 2 MP E square, V square, C square, V square पूरा करके 2MP अपॉन में ये 2MP नीचे भी है ये 4 2 8 से 2MP और ये ऐसे K alpha अपॉन KP Now see their difference K alpha KP को मैंने अभी नहीं काटा Why? Because KP ratio K alpha is it is not equal it is not 1 When KP is 1 K alpha is 2. The ratio suggests this. So, this ratio will be equals to 2. So, 2 to cancel out, MP, MP cancel out. K alpha upon KP is equals to 2 by 1. So, answer will be 2 here. So, R alpha square upon R P square. So, R P, R alpha will be equals to root 2 R P. R alpha will be equals to root 2 R P again. So again relation will be R alpha is equal to 5 root 2 centimeter. Again your answer will be same. Alright. So this was all about this question. It is very important. Just because this type of questions is usually asked in CBSE. Alright. Now come to our next question. See the second question, it is also asked in CBSE 2019. It
एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल करेंट 4 मिली एम्पियर, कन्वर्ट इट इंटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर. ऑल राइट, सो दिस क्वेश्चन इज आज बी सीबीएसई 2019. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. दिस आई एम गोइंग टू मेक द फिगर फॉर दिस. इफ आई से द गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस जी, ऑलराइट, अ शंट इज ऑल्सो एडेड हियर जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू अमीटर. सो अ शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस एडेड इन पैरेलल, इट इज एस. ऑलराइट, द गैल्वेनोमीटर करेंट विच इज ऑल्सो द फुल डिफ्लेक्शन करेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई जी. आई जी इज द फुल डिफ्लेक्शन करेंट. दिस एस, the current through the S will be I minus IG, because we have to make, हमें किस range की current बनाना है, I range नापने वाला device बनाना है, तो I में से IG उधर गई, तो I minus IG will be passed through S, I minus IG will pass through shunt. So solution S, full deflection current I G, it is equals to कितना है 4 मिली एम्पियर. The range which we have to convert, it is I, how much, 6 एम्पियर. मैक्सिमम वाले को लेते हैं 6 एम्पियर्स. रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल में रेजिस्टेंस 15 ओम, सो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G इज इक्वल्स टू 15 ओम. सो फॉर कन्वर्टिंग इट वी हैव टू एड अ शंट रेजिस्टेंस. इफ आई से द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज एस, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द रूल. सो फॉर कन्वर्जन अप्लाई शंट S parallel to G. Alright? So, we'll say IGG, potential across this will be equals to I minus IG S, potential across this. This should be equal. This is the rule of conversion. So, put these value, IG 4 milliampere. मिलीएम्पियर, ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग इट इन एम्पियर डायरेक्टली, मैं वहीं पे लिख देता हूं 4 × 10⁻³ एम्पियर. सो 4 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई जी वैल्यू इज 15 ओम, इट इज इक्वल टू 6 − 4 × 10⁻³, इट इज इन एम्पियर, इट इज इन मिलीएम्पियर मल्टीप्लाइड बाई एस. सो एस इज इक्वल टू डिवाइडेड 4 × 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपॉन 6 − 4 इज इक्वल टू, इट इज नॉट 2,
6.0004. It is 5.996 into 10 to the power minus 3. Alright. So it will be equals to 15 for the 60. We can take this as 10 to the power minus 2. Alright. So 6 minus 4. नहीं आपको इसकी जरूरत नहीं है ना, ये क्यों है किया, दिस विल नॉट बी 60 10 पावर माइनस 2 एंड इट इज 6 by 5.996, सो इट इज ऑलमोस्ट 6, तो वी कैन कैंसिल आउट एज 1, सो इट विल बी 1 × 10⁻²² ओम्स. दिस अमाउंट ऑफ शंट रेजिस्टेंस, और वी कैन सी इट इज इक्वल्स टू 0.01 ohm shunt equivalent to 0.01 ohm shunt should be added to convert this galvanometer to an ammeter of range 0 to 6 ampere. You can see this. Alright. You can take a screenshot also. This question is also very important. This type of questions is generally asked from application point of view. Now, next question, which is also important. Now, next question is from CBSE 2020. CBSE 2020. Alright. An alpha particle is accelerated. Through a potential of 10 kilovolt. All right.